क्या चीज जीवन में आवश्यक है आपके, सूचना या अनुभव? आप सूचना लेके घूम रहे हो, क्या इसका अनुभव भी करना है? तो अनुभव अगली सीढ़ी है, या सूचना पे ही लटके रहना है? तो अनुभव करना है तो दरबार से जुड़े घर पे ही अनुभव कर सकते हैं जी। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि दरबार आके अनुभव करें, वो तो अनुभव तो अपने अंदर है ना। अभी हम चीजों को बाहर ढूंढते हैं, जब सूचना मिलती है तो भ्रम पैदा होता है, तो सूचना के अनुसार चीजों को बाहर ढूंढना शुरू करते हैं, और जब आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे सब अंदर ही है। तो इतना बड़ा भ्रम है कि जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अंदर ही है, लेकिन वो एक्सपीरियंस पे आएगी। जिस दिन अंदर चीजें दिख जाएंगी, बाहर से मोह भ्रम सब टूट जाएगा, फिर बाहर की चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी, सूचना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, फिर अनुभव महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अनुभव आत्मा का विषय, सूचना बुद्धि का विषय। प्रणाम भगवान। खुश हो बेटा, कुशल रहो, स्वस्थ रहो। अब कछु नाथ न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, आज वनडे भी हो गया। शुरू किए थे नौ हवन से, और फिर आपने मुझे पुण्य भी दिया था, माँ बाबा ने पुण्य दिया था, आज वनडे भी कर लिया। थोड़ा बहुत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, इजाज़त दे दीजिए। मैं जब महाकाल के लिए गया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, 300 रुपये थे। फिर मैं महाकाल से जब झंडा उठा के चला था तो बाबा से मैं अर्जी लगा के गया था कि मुझे पैसा चाहिए या चाहे जहाँ से चाहिए। तो मेरे पास आते आते मेरे पास 60,000 रुपये हो गए थे, और मैं काफ़ी लोगों को देते हुए भी आया, दान देते हुए आया, काफ़ी लोगों को मैं दान देते हुए आया। और बाबा मुझे ऐसे ऐसे होटलों में रोक के लाए हैं, जब पदयात्री आते हैं तो बहुत कष्ट से आते हैं, लेकिन मुझे बहुत आराम से ले आए थे, और अकेले मैं थक गया था, अकेले ही आया था, मेरे साथ साथ थे माँ बाबा। एक आपसे विनती है कि माँ बाबा मुझे दिखते हैं लेकिन आप नहीं दिखते, कृपा करें कि आप भी दिखा करें। माँ बाबा को ये देखना वही पर्याप्त है बेटा, लेकिन आपसे ज्यादा प्यार हो गया है, क्या ही बताऊं। हाँ तो हम लोग तो हैं ही, जैसे हम लोगों से कहते हैं कि भाई बाबा का फोटो लगाओ, माँ का फोटो लगाओ। पहले आपके बारे में डाउट करते थे हम, क्योंकि लॉजिकल बात थी ना, माइंड में फिजिक्स ऑनर्स से पढ़ाई किए थे तो साइंस लगाते थे, लेकिन ऐसे हम भी डाउट करते थे सब पे। लेकिन ऐसा प्यार हुआ है कि अब क्या ही बताऊं। मेरे साथ रूममेट रहते हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ आईएएस की, तो वो सब कहते हैं कहाँ से जुड़े हो, बोले एक बार चल के तो देखो। बहुत लोग अब तैयार हो रहे हैं आने के लिए, धीरे धीरे प्रयास है सेवा के लिए, बस आप कृपा करिए कि मैं कहीं भी रहूं सेवा करता रहूं। ये तो बेटा एक्सपीरियंस का मामला है जी, है ना जी, जो भी करता है एक्सपीरियंस वही समझ पाता है चीजों को, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस की चीज है। सूचना से तर्क शक्ति से कुछ बातें समझी जा सकती हैं, तर्क शक्ति जो मनुष्य के पास है वो समझने के लिए है एक्चुअली। हम लोग तर्क शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, ना समझने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए। आप हमसे कम जानते हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं। ये होता है, ये होता है लोगों में, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं अभी इतना इन्फ्लुएंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊं, इसलिए शांत हो जाता हूं। नहीं, वो एक शब्द बोला करो, पूछ लिया करो कि क्या चीज जीवन में आवश्यक है आपके, सूचना या अनुभव। ओके, आप सूचना लेके घूम रहे हो, क्या इसका अनुभव भी करना है? तो अनुभव अगली सीढ़ी है, या सूचना पे ही लटके रहना है? तो अनुभव करना है तो दरबार से जुड़े घर पे ही अनुभव कर सकते हैं जी। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि दरबार आके अनुभव करें, वो तो अनुभव तो अपने अंदर है ना जी। अभी हम चीजों को बाहर ढूंढते हैं, जब सूचना मिलती है तो भ्रम पैदा होता है, तो सूचना के अनुसार चीजों को बाहर ढूंढना शुरू करते हैं, और जब आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे सब अंदर ही है जी। तो इतना बड़ा भ्रम है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अंदर ही है, लेकिन वो एक्सपीरियंस पे आएगी। जिस दिन अंदर चीजें दिख जाएंगी, बाहर से मोह भ्रम सब टूट जाएगा, फिर बाहर की चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी, सूचना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, फिर अनुभव महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अनुभव आत्मा का विषय है, सूचना बुद्धि का विषय है ना। तो जो बुद्धि का विषय है वहां पर बोध है,
संकल्प है, रितंभरा बोलते हैं उसको। बुद्धि में दो क्रियाएं होती है, एक बोध होना और दूसरा रितंभरा, यानी सत्य से भरा संकल्प जहाँ होता है, जहाँ बात को तौल लेते हैं कि ठीक है, हम अपने मन वृत्ति और चित्त के आधार पर बुद्धि के साथ संयोग करके साक्षात्कार कर लेते हैं किसी चीज़ का, मन उसको शक्ति प्राप्त है। जैसे आप अभी कोई बगीचा लगाना चाहो तो आप आँख बंद करके और कल्पना करके, क्योंकि कल्पनाशीलता मनुष्य के पास है, आप बगीचा देख सकते हो कैसा लगाना है, कहाँ कैसे लगाना है, यहाँ ये लगाएंगे वहाँ वो लगाएंगे, कर सकते हैं ना। घर बनाना है, कल्पना में घर बना सकते हैं आप, कल्पनाशीलता है ये, और किसी के पास नहीं है ये शक्ति, केवल मनुष्य के पास है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये दो चीज़ें मनुष्य के पास है, ये किसी जीव के पास नहीं। कर्म करने की स्वतंत्रता, क्या करना है क्या नहीं करना है, स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है, फल भोगने के लिए हम तैयार रहे उसमें नहीं बच सकते। कर्म करने की स्वतंत्रता है, ऐसे कल्पनाशीलता है मनुष्य के पास है। आदमी एक वृक्ष काट सकता है, लाखों काट सकता है, पूरी दुनिया के वृक्ष काट सकता है एक आदमी अगर उतारा है, और पूरी दुनिया में जितने वृक्ष लगे ऐसे 10 गुने वृक्ष लगा भी सकता है मनुष्य। ये दोनों चीजें मनुष्य के हाथ में, तो कल्पनाशीलता तो ये बुद्धि का विषय नहीं है। अनुभव बुद्धि सिर्फ इतना तय करती कि हाँ इसका अनुभव करना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार हो चुका होता है कल्पना में, हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं, तब वो उतरता है कहाँ, अनुभव में। जैसे कोई भी वैज्ञानिक है, कोई भी नया इन्वेंशन होता है, कोई भी इनोवेशन करने के लिए जाता है, तो उसके पहले कल्पना ही रहती है उसके पास, सत्य में कहाँ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अंधविश्वास हुआ ना एक प्रकार का। जी, जिसने हवाई जहाज बनाया, जिसने टेलीफोन बनाया, जिसने मोबाइल फोन बनाए, जिसने पंखे बनाया, सभी कुछ एवरीथिंग, उसके पहले कल्पना ही तो केवल थी, वस्तु कहाँ थी वास्तव में। लेकिन अंदर एक दृढ़ विश्वास था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुद्धि ने उसकी स्वीकार कर लिया था, बुद्धि में साक्षात्कार हो चुका है कि हम ऐसे 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 करके बना सकते हैं, तो वो अनुभव उतरता है, एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट। तो अनुभव बड़ा है, अनुभव बुद्धि का नहीं आत्मा का विषय है, आत्मा दृष्टा है, जहाँ पर सिर्फ अनुभव और प्रमाण है। आत्मा में दो क्रियाएं हैं, अनुभव होना, अनुभव से प्रमाण देना, प्रमाण से परंपरा बनती है, जिस परंपरा से हम लोग चल रहे हैं ये सब यस प्रमाण से ही चल रहे हैं ना। जी जी जी, आपको प्रमाण मिला तो परंपरा में आप शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप परंपरा बनती जाएगी आगे। तो अनुभव ये आत्मा में उतरने के कारण हो पाए। अब इसे आपको कोई डिगा नहीं सकता लाइफ में, कोई नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है अपने पास। सूचना को डिगा सकता है आदमी, बुद्धि को डिगा सकता है तर्क शक्ति से, आत्मा को नहीं डिगा सकता। उसकी दृष्टा, वो जिसकी दृष्टा हो गई, साक्षी हो गई, अब उससे नहीं जा सकता। तो जो भी मित्र आपके, उनसे कहो कि आप, कि अगर इच्छा है तो बुद्धि से एक कदम और आगे बढ़ो आत्मा की तरफ, सूचना से एक कदम और आगे एक्सपीरियंस की तरफ, थ्योरी से आगे प्रैक्टिकल की तरफ, है ना जी। गुरु जी, अब पढ़ने के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बस रात को 10 बजे मैं सो जाऊं, सुबह 4 बजे मैं उठ जाऊं, ये स्मृति डाल दीजिए बस गुरु जी। और मैं संकल्प करूं, मैं कर चुका, नहीं अभी करिए। इस बच्चे का संकल्प पूरा कर दिया जाए, सक्री सबसे आगे रखा जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए आत्मविश्वास, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, स्मरण शक्ति और बढ़ा दी जाए, एकाग्र शक्ति और बढ़ा दी जाए, चेहरे पर वाणी में नेत्रों में आकर्षण बढ़ा दिया। कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो, जब भी ये मिले उससे, या इनकी बात सुने, या आवाज सुने सामने, या यंत्र से, या वो कल्पना करें, मिलते ही पूरी तरह इनसे सकारात्मक हो जाए और इनको सहयोग करें। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप तो मेरे मन का सारा बात अपने आप बोल दी, धन्यवाद आपको।
धन्यवाद, खूब खुश हो, बस एकाग्र होकर पढ़ता रहूं बस। अब संकल्प किया हूं दरबार के लिए, जबरदस्त पढ़ाई कर रहा हूं दरबार के लिए ही संकल्प किया हूं, मैं दरबार के लिए करना चाहता हूं। सबकी सेवा भैया लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, मुझे दुख होता है। ये भी सेवा है, ये भी सेवा का एक रास्ता है, जो तुम कर पाओ उससे और बड़ी सेवा कर पाओ। थोड़ा सा मुझे यहाँ क्लियर कर दीजिए, मैं बहुत उलझन में रहता हूँ, भैया लोग इतना रात दिन करते रहते हैं। तो एक बात और समझना, ये भी आपके उसमें ले आए संज्ञान में, कोई व्यक्ति भूखे आदमी को खाना खिलाना चाहता है, ऐसा मन में इच्छा उठती, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है, अनुभव कराया है कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित। मनसा वाचा, मन में भी सोचा गया, बोला गया, वाचा और कर्मणा किया गया, सबका भोग मिलता है, अच्छा है बुरा जो भी जैसा करते हैं आप सबका भोगता है। तो अगर आप मन में भी रखते हैं कि हमें सेवा करनी है, समय नहीं मिल पा रहा लेकिन हम चाहते सेवा करें, खूब सेवा करें, ये सेवा ही है, क्योंकि आपका भाव प्रबल है, सोचा गया कि वो भी आपको भोग देता है, अच्छा है बुरा जैसा अच्छा सोच रहे अच्छा मिलेगा। तो ये मत सोचो कि हम खाना खिलाना चाहते हैं भूखों को, नहीं खिला पा रहे हैं, वो भी खिलाने के ही बराबर है, ये आप सोच पा रहे हैं अच्छा है ना, ऐसा है। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हम ये कर पाए नहीं कर पा रहे हैं, हम दान नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, ये एक भाव जो आपका करने वाला इच्छा हो रही अंदर से मन में चल रहा है, ये भी आपको अच्छे कर्म भोग देता है, है? और जब भी आदमी ऐसा आदमी सक्षम होता है तो जरूर करता है। बस सक्षम हो जाओ फिर, तो फिर सेवा के लिए ही मेरा जीवन रहेगा, वही आजीवन समर्पित है सेवा के लिए, स्मृतियां ही सक्रिय रहती है। खुश रहो, धन्यवाद, धन्यवाद। आम गुरुदेव, खुश हो बेटा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये आप यहाँ देखो जो मेल है सब लोग, पुरुषों में यही कष्ट थे, दरबार में सब नष्ट किए, स्मृतियां थी सबकी मिलती जुलती, सब नष्ट, पैरालिसिस की स्मृतियां थी, MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहे थे, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, ब्रेन में सूजन, भुलाने वाली स्मृतियां थी, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, लीवर में गांठें बन रही थी, हाथों में सूजन, अंडकोश में घाव बन रहे थे, तलों में शून्यपन आ रहा था, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, सिर में दर्द होना, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, इंसुलिन अनियमित थी, साइनस की समस्या थी, हाथों में सूजन, शरीर में अकड़न जकड़न होना, ब्रेन में सूजन, फ्रोजन शोल्डर था, निद्रा अनियमित थी, यूरिन पास करने में फोर्स लगाते थे, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, आंतों में, लंग्स में, मस्तिष्क में और कोलोन में। धन्यवाद गुरुदेव, ये सब नष्ट हो गई, हृदय में से कष्ट आ रहे थे, हृदय में कष्ट देने वाली स्मृतियां, हार्ट अटैक की स्मृति थी, नली में सूजन हो रही थी, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, चलने में थकान हो जाती थी और हार्ट की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव हम लोग को बचाने के लिए। अब सब स्मृतियां गुरुदेव, बस मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में जो भी व्यापार करूं उसमें सदा आगे बढ़ता रहूं और दरबार के लिए मैं सदा लगा रहूं गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, सभी कुछ कर पाओगे, अब तो सब कुछ अच्छा है, है ना, सब कर पाओगे, खुश हो। प्रणाम गुरु जी। जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अब ठीक है, आराम है, आनंद गुरु जी, अब आराम है, अब आराम है, ऐसे ही आनंद में रहना है आपको, ये फुलवारी आपकी आनंद में, तो आप भी आनंद में। हां गुरु जी, इतना पहले परेशान थे वो अब चीज नहीं है, अब आराम, अब बाबा माँ की शरण में आप कौन कष्ट दे सकता है, अब तो सब आनंद है, आनंद है, हमेशा रहेगा, ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए, हमारे दांत का दर्द नहीं जा रहा है और तो हमारा सब ठीक ठीक है गुरुजी। अच्छा पहले दिखा दे क्या क्या कष्ट है, पहले दिखा दे, सब नष्ट हो गए। आंखों में धुंधलापन, ब्रेन में छोटे छोटे मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, गर्भाशय में गांठें, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी,
रोमैटिक ऑर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, श्वास फूलना, ब्रेन में सूजन, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, छाती में जलन होना, पैरों में कमजोरी महसूस करना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में गलन हो रही थी, यूरिन में इन्फेक्शन, हार्ट के वॉल में सूजन, ऑस्टियोपेनिया था, घुटनों में दर्द होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, कोलोन में, ओवरी में, लंग्स में, ब्रेस्ट में और गॉल ब्लैडर में। आप सब अच्छे, एकदम अच्छे। अब कहाँ कष्ट बता रही थी, बचा हमें बताओ। बस खाली दांत में हमारे दर्द है। दांत में? हाँ, दांत में। एक बार और मिले थे तो हम दांते के अब से मिले थे, हमारे दांत में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पानी लगता है, पानी पीते हैं तो गल जाता है। दो भाई पानी। पीजिए पानी, देखो लगता है कहीं पानी आपको। नहीं लग रहा है। अभी लग रहा है पानी आपको? हाँ लग रहा है। आंखें बंद करो, कैविटी बन गई। इनकी जो पायरिया की स्मृतियां हैं, जिसका संकल्प इन्होंने किया, पायरिया की सभी स्मृतियां पायरिया रोग की नष्ट कर दी, नष्ट कर दी। दांतों में ठंडे पन, गर्म पन की स्थिति नष्ट कर दी, पानी लगने की स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार पांच बार बोली, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए पांच बार। अब दो जल, अब पियो। अब ठीक, गुड, बार बार खुश है, कुशल रहिए, स्वस्थ। गुरु जी एक छोटी सी शिकायत है, बोल सकता हूँ? गुरु जी जब मैं महाकाल से आया था तो मैं एक और संकल्प ले लिया था कि मैं रामेश्वरम से पैदल यहाँ आऊंगा कानपुर, जो कि 2700 किलोमीटर है। लेकिन आप आके बंद, ये संकल्प इस बच्चे को तोड़ दिया जाए। पांच बार बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। लेकिन मेरे को आना था लेकिन आप रोक दिए, खुश रहो। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा माँ इतनी तकलीफ नहीं देते बच्चों को, बच्चों को इतनी तकलीफ बाबा माँ नहीं देते, है ना? खुश रहो, बहुत छोटे से ही डिस्टेंस कर दिए हैं। भाव है तुम्हारा, भाव बड़ा था इसलिए तुम्हें लिया। पुण्य मिल ही जाता है भाव से ही, बताया ना, भाव से ही मिल जाता है। गुरु जी 16 जून को एग्जाम है यूपीएससी का, पता है? बस 16 जून को। हाँ 16 को, बस करिए, जम के करिए। अभी तक मैं पढ़ नहीं पा रहा था, सच्चाई है, अभी तक मैं पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन लग जाइए, अब लग जाएंगे। अब आप हैं तो क्या गम है। अभी देखो बच्ची आई थी ना, क्या बता रही थी कल परसों, जो पढ़ के जाती थी वही आता था। जी जी, जो पढ़ के जाती थी अपने दोस्तों को बताती थी वही उनको आ जाता था, वही उसको आ जाता था। लोग कहते थे कहाँ से लाती हो तुम। लेकिन एक और अनुभव बताना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले घबराता था ये, तो अभी मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ पढ़ने, चाहे 2 घंटे पढ़ूँ चाहे 4 घंटे, सब देखते हैं बहुत बेचैन रहते हैं। लेकिन मैं इतना शांत भाव से, पहले तो मैं वीडियो देखूंगा गुरु दरबार का, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि यार इतने कूल कैसे हैं ये, और सब आके पहले मैं सबको सिखा दिया हूँ जय बाबा बोलना, मैं भी जय बाबा बोलता हूँ, वो सभी बोलते हैं जय बाबा की। धीरे धीरे फ्लुएंस बढ़ा रहा हूँ कि जितना हो सके हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा होने वाला, ठीक है, खूब खुश। और माला जाप कर सकूँ, माला बहुत कम जाप कर पाता हूँ। आप खूब कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद, खुश, थैंक यू।